आपका क्वेश्चन है गिवन दैट रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732, रूट फाइव इज इक्वल टू 2.236, रूट सिक्स इज इक्वल टू 2.449, रूट टेन इज इक्वल टू 3.162. फाइंड द वैल्यू अप टू 3 डेसिमल्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड अप टू 3 डेसिमल ओनली. ठीक है ना? तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, 1/√6 प्लस रूट फाइव. ना तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को. तो यार देखो यहां पर क्या है आपका है प्लस, तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. ठीक है ना? तो ये देखो आपका क्या आएगा, इट विल कम एज 1/√6 प्लस √5, है ना? तो ये आपका ऐसे है. नाउ अब देखो रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इनटू प्लस है तो माइनस के साथ, तो यहां पर आ जाएगा आपका √6 माइनस √5 बाई यहां पर भी √6 माइनस √5. ठीक है नाउ अब देखो ऊपर का मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ जाएगा, √6 माइनस √5 बाई नाउ नीचे का देखो कौन से फॉर्म में है, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो ये देखो आपका है फॉर्म में a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है तो अब यहां पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहां पर देखो a क्या है, a इज इक्वल टू √6 एंड b क्या है देखो √5. ठीक है तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो देखो आपका क्या आ रहा है, तो यहां पर आ गया आपका √6 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वी कैन से. अब ऊपर वाली वैल्यू लिख दो जो इसने दे रखा है, तो √6 कितना है देखो 2.449, तो यहां पर आ गया आपका 2.449 माइनस √5, √5 इज 2.236 बाई 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर इज √6 स्क्वायर इज 6 माइनस √5 स्क्वायर इज 5, तो 6 माइनस 5 इज 1. तो नीचे वाला वैल्यू आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर. तो ये क्या आ गया देखो, 9 में 6 गया इज 3, नेक्स्ट 4 में 3 गया 1, 4 में 2 गया 2 एंड 0. तो दिस इज योर आंसर. ठीक है ना? सेकंड वाला देखो, 6 बाय √5 प्लस √3, तो यहां पर देखो आपको क्या दिया है, प्लस, है ना? तो जहां पर हमारा प्लस है वहां पर हम रैशनलाइज करेंगे माइनस के साथ, तो ये आपका क्या आएगा देखो, 6 बाई √5 प्लस √3 है, तो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 बाई √5 माइनस √3, तो दैट इज इक्वल टू, नाउ ऊपर देखो आपको क्या हो गया, 6 इंटू √5 माइनस √3 बाई नाउ नीचे वाला देखो सेम फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में, तो लेकिन यहां पर आपका क्या है, a इज √5 एंड b इज √3, दैट वी विल राइट. तो a आपका क्या है देखो √5 एंड b इज इक्वल टू √3. ठीक है तो इस फॉर्म में सेम में डालेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो क्या आएगा आपका देखो, √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, नाउ 6 के साथ मल्टीप्लाई करो और √5 माइनस √3 बाई नाउ.
रूट फाइव स्क्वायर कितना होता है 5, 5 माइनस रूट थ्री स्क्वायर इज 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, है ना। तो 2 एंड 6 अब कट सकता हमारा, तो कट करते हैं, तो दिस आपका 1 हो गया, ये हो गया आपका 3, तो दैट इज इक्वल टू नाउ 3 इंटू रूट फाइव माइनस रूट थ्री, तो रूट फाइव इज 2.236, 2.236 माइनस रूट थ्री इज 1.732, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू नाउ 6 में 2 गया इज 4, 3 में 3 इज 0, देन 12 में 5, देन 5 पॉइंट, तो ये आपका आ गया 0.504 इंटू 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 12, 15, तो 1.512, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ यहां पर देखो क्या है, 1/4√3 माइनस 3√5, तो बीच में क्या दिया है आपका माइनस, है ना, तो हम क्या करेंगे प्लस के साथ रैशनलाइज करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा देखो, 1/4√3 माइनस 3√5 इंटू, प्लस के साथ करो तो यहां पर आ जाएगा 4√3 प्लस 3√5 बाई नाउ 4√3 प्लस 3√5, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो गया सेम, तो आपका आ गया 4√3 प्लस 3√5 बाई नाउ, यहां पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी है सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर फर्स्ट वाला पोर्शन इज योर इन a, दिस इज योर a और दिस इज योर b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको लिखो, तो देखो क्या आ रहा है आपका 4√3 होल स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर में डालना जरूरी है, ठीक है। नाउ अब यहां वाली वैल्यू रखो, देखो क्या आ रहा है आपका 4√3, तो 4 इंटू रूट थ्री इज 1.732 प्लस नाउ 3 इंटू रूट फाइव, रूट फाइव कितना है 2.236, 2.236 बाई नाउ, तो 4 स्क्वायर इज 16 एंड रूट थ्री स्क्वायर इज 3, तो 16 इंटू 3 इज 48, है ना, तो यहां पर आपका आ गया 48 माइनस नाउ 3 स्क्वायर इज 9 एंड रूट फाइव स्क्वायर इज 5, 9 इंटू 5 इज 45, तो ये कितना हो गया देखो 3, है ना, तो ये आपका नीचे वाला 3 हो गया, तो अब ऊपर को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, तो वी कैन से ऊपर वाला 4 2 8, 12 1 कैरी, 29 2 कैरी, 6 6.92 प्लस नाउ 3 के साथ करो 18 1 10 1 7 6 बाय 3, दोनों को ऐड करो 8 8 16, 1 कैरी दैट मीन 3, 9 एंड 7 इज 16, 1 कैरी, 12 एंड 13, तो 13.636 बाय 3, दैट इज इक्वल टू नाउ क्या आ रहा है देखो 4, 12 हो गया 0.5, देन 1 बच गया 1 3 13, दैट मीन्स 4, फिर 1 बच गया आपका, तो दैट मीन्स आपका अगेन 5, फिर आगे बचा 1, तो 1 0 10 दैट मीन्स 3, तो 3 को आप राउंड ऑफ करोगे
तो आपका यहां तक ही आंसर रहेगा, तो 4.545, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है।